पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? रजिस्टर किया? नहीं अभी मिला रजिस्टर। किधर है रजिस्टर? बैग में। Hey everyone, assalamu alaikum. Hope all of you guys are doing perfectly alright. This is Malik Ali Shanawar. आज रात मैं 12 बजे उठ गया था। मैंने 2 बजे एडिटिंग की और सुबह 8 बजे तक करता रहा और मैं 10 बजे कॉलेज पहुंचा। 10 बजे कॉलेज पहुंच के मैं ब्रेक होने तक 2 से 3 मिनट का व्लॉग बना चुका होता हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं बना पाया। ब्रेक हो चुकी है और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मेरे साथ है ये जाहद भाई हैं और एक लड़का गया हुआ है ऊपर लैब में, उसकी कॉपी उधर रह गई थी, वो कॉपी लेके आएगा। तो फिर हम जाएंगे कैंटीन पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगी हुई। मतलब वो कोई नई चीज नहीं है, वो हमें लगी रहती। ओह माय गॉड, वाओ। जी कैसे हो? फाइन एंड यू? फिट ब्रो, आप सुनाओ। यार अंग्रेजी आती है भैया, पंजाबी में बात करते हैं। हमसे उर्दू भी बड़ी मुश्किल में बोली जाती है। भाई कह रहा है फाइन। ब्रेक में हमारे कॉलेज में ये छोटे छोटे रैबिट्स होते हैं, आपको दिखाता हूं। अच्छा, इसको बुलाते कैसे हैं? अरे इसने इनको बुलाना होता, कैसे बुलाते? देखो कैसे बुलाते हैं। इसको कैसे बुलाना है? इसके पास जाना पड़ता है। नाथ कॉलेज पार्टी फिर किधर हो रही है? कॉलेज या बाहर? कॉलेज। कॉलेज। कॉलेज में? मतलब हम नहीं आ रहे फिर? नहीं आ रहे। पार्टी पे आ रहे हो? नहीं। वाकई नहीं? पार्टी पे आ रहे हो? नो ब्रो। पार्टी पे आ रहे हो? पार्टी पे आ रहे हो? मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में 3-4 व्लॉग्स पहले मैंने कहा था कि अगर पार्टी कॉलेज होती है तो मेरे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इधर कोई मज़ा नहीं आने वाला। अगर कहीं बाहर कहीं मार्के में या किसी और जगह करते हैं तो फिर बंदा चले जाता है। कॉलेज में पार्टी का कोई तुक्की नहीं बनता। फर्स्ट ईयर में हम पॉइनियर्स थे, हमारी कोई वेलकम पार्टी नहीं हुई। उसके बाद हमारे अगर हम फर्स्ट ईयर को पार्टी दे रहे हैं, वो भी कॉलेज में हो रही है, तो मज़ा नहीं आया। ये बंदे ने तब से खप डाली हुई है मेरे पास, खड़े हो गए। कल किसकी मैंने फोटो ले लिया, मेरी खप डाली हुई है कि फोटो सेंड करो। ग्रुप फोटो थी, उसमें ये भाई भी थे, ये कोने पे खड़े हुए थे। ये तब से इसलिए मांग रहे हैं कि फोटो में ये भी है। मैंने कहा इसको सेंड कर देता हूँ, मेरे पास है फोटो, लेकिन नहीं। सब्र की कोई चीज़ ही नहीं है बंदे। पाकिस्तान है भाई, सबर चलता। ये हमारे कॉलेज का खाना है, टिक्की वाला बर्गर है और ड्यू है। ब्रदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? पार्टिसिपेट कोई नहीं करना यार, मेरा आना ही बड़ा मुश्किल हो गया है यार। अभी जा रहे हैं वो करने, प्रैक्टिस करने वेलकम पार्टी की। मैंने नहीं आना, मैं आ जा रहा हूँ। बंदे मुझे भी जलील करवाने के लिए लेके आए। मैंने नहीं करना, मैं सिर्फ इनके साथ आया हूँ। अभी इनको रूम तक नहीं मिला। आपको मैं अभी अपना ऑडिटोरियम दिखाता हूँ। आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हो रहा है, ये देखो हमारा ऑडिटोरियम। क्लास वाली चेयर्स और वही सारा स्टेज, एक डाइस और पीछे फ्लैक्स लगी, और ये हमारा ऑडिटोरियम। व्लॉग यहीं पे मैंने एंड कर दिया था, क्योंकि सारे लड़के जो है वो बिजी थे कहीं ना कहीं। किसी ने कंपेयरिंग करनी थी और किसी ने टैबलो में पार्ट लिया हुआ था। सारे सर को ढूंढ रहे थे, सारे इसी चीज में कहीं ना कहीं बिजी थे कि अब हमारी प्रैक्टिस शुरू हो और हम उधर जाएं। सुबह भी मैं काफी लेट गया था कॉलेज, तो इस वजह से ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाया। अब मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है, और वो चीज ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे कॉलेज में पार्टी आ रही है, वेलकम पार्टी जो फर्स्ट ईयर की है। और मैंने ये कहा था कि मैं तब ही जाऊंगा जब कॉलेज से बाहर कहीं भी पार्टी होगी, पर अगर कॉलेज के अंदर होती है तो मेरा जाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ दिन ये डिस्कशन वगैरह चल गई कि पार्टी कहाँ पे होगी, लेकिन एट द एंड डिसाइड यही हुआ कि कॉलेज में ही पार्टी होगी। और ऑडिटोरियम आपने हमारा देख लिया जहाँ पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। इस व्लॉग का जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये कॉलेज से नेक्स्ट डे का है। लाइक जिस दिन मैं कॉलेज गया था उस दिन मैं आके सो गया था, उससे अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल गया बाहर, बताता हूँ कहाँ पे गया, और अभी शाम को मैं घर पहुंचा। अभी मैं व्लॉग आगे बना रहा हूँ। जनाब मेरा पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी कोई नहीं। बट एक दोस्त ने काफी इंसिस्ट किया कि पार्टी में आना चाहिए, तो मैंने सोचा घर भी बैठना है, उधर चले जाएंगे, थोड़ा सा व्लॉग भी बन जाएगा। तो मैंने फिर कहा कि चलो कोशिश करूंगा आने। अब जबकि कल पार्टी और आज सुबह बैठ के मैं ये सोच रहा था दैट व्हाट आई विल वेयर इन द पार्टी, क्योंकि मैंने तो ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं नहीं जाऊंगा। आज सुबह 10 बजे निकले सियालकोट, गूगल से 10-12 पिक्स देखने के बाद मैं क्या पहनूंगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है पार्टी में पहनने का पैंट कोट, और मैं आपसे सच बात करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक दफा पैंट कोट पहना। मैं पैंट कोट का कोई बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूं, मैं पैंट कोट नहीं पहनता। फिर मैंने कुछ फोटोज देखी, उनमें से एक आधी ड्रेसिंग मुझे पसंद आई और सुबह मैं निकल गया लेने के लिए। मुझे एक करना था कोट बाय, मैं सियालकोट के लिए निकला। सियालकोट मैंने काफी शॉप्स देखी, कहीं पे मुझे मेरे पसंद की चीज नहीं मिल रही थी। मैंने कॉल की फैजान को, और फैजान ने मुझे कहा अरे मियां कहां पे जलील हो रहे हो, जाओ सीधा ब्रेकआउट पे, उधर कोई इतने अच्छे अच्छे कोट्स आए हुए। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, फिर तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। इधर से हमारा हुआ फिर सफर ब्रेकआउट शुरू। उधर मैं गया और मैंने देखा कि आज
फ्राइडे है तो बंद हो गया ऑब्वियसली शॉप। तो मैंने उधर से एक बंदे से पूछा कि भाई साहब ये कितने बजे खुलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये 2 बजे खुले, और तब उधर 1 बज रहा था, उस वक्त एक भी नहीं 10-15 मिनट कम ही थे, लेकिन मैं उधर खड़ा हो गया और 2 बजने का इंतजार करने लगा। 2 बजे फिर मुझे पता लगा कि ये 2 बजे नहीं 3 बजे शॉप ओपन हो, 3 बजे का इंतजार करने लग गया, ऐसे मोबाइल पर टाइम पास करने लग गया। 3 बजे शॉप ओपन हुई, अंदर गया, अंदर जाके मैंने कहा मुझे कैजुअल कोट्स चाहिए, काइंडली आप दिखा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब हमारे पास कैजुअल कोट्स नहीं होते। उस टाइम वो सेल्समैन है जिसने ये कहा था कि हमारे पास नहीं होते, मुझे उस पर इतना गुस्सा चढ़ा था कि बस क्या बताएं आपको। है उम्मीद हारे हुए हम शॉप से बाहर निकले, खैर बाहर निकले और उसी मार्केट में मैं चला गया जहाँ पे मैं पहले अपने लिए कोट ढूंढ रहा था। काफी जलालत और खुआरी करने के बाद कोट मिल ही गया और मैं तकरीबन शाम के 7 बजे बल्कि 7:30 बजे घर। पैसा है मेरा पार्टी में शिरकत करने का सिनेरियो। खैर चलो आपसे पार्टी के व्लॉग में ही मिलेंगे, पार्टी के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, हमें मजा आएगा, आपको देखने में मजा आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज व्लॉग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स, अल्लाह हाफिज। Yeah, I'm not going to do that.